हरे कृष्णा साथियों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था और उनके लिए रोजाना हेम नामक माली अर्धरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता था। माली सुबह राजा के पास जाता और उसे फूल दे देता। एक दिन हेम माली रात को फूल तो ले आया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में वसीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए फूल ना पहुँचे तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्सा कर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आए, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेम माली को सभा में बुलाया जाए। हेम माली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। दुखी होकर उसने उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में उन्हें बताया। हेम माली की सारी विपदा को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उसे आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। हेम माली ने व्रत किया तथा उसके प्रभाव से राजा कुबेर को श्राप से मुक्ति मिली। बोले विष्णु भगवान की जय।